लायंस क्लब ऑफ शाहीबाग, गुजरात की गणमान्य क्लब है और वो अपनी सोशल एक्टिविटीज के लिए बहुत पॉपुलर है। आज के दिन लायंस क्लब के पास प्रेसिडेंट श्री अमित भाई शाह और इमीडिएट प्रेसिडेंट लायंस संजय भी शाह की प्रपोजल से एक कोरोना क्राइसिस के अंदर लीडरशिप क्राइसिस कैसी तरह दूर की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन के लिए आज हम यहाँ मिल रहे हैं। लीडरशिप इटसेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट लीडरशिप इन ए क्राइसिस इज ए एक्सेप्शनल ग्रेट थिंग्स। दो छूल एक्ट एंड वर्क इन क्राइसिस, वो लीडर्स हीरो बन जाते हैं सालों के लिए, सदियों के लिए, देश के और समाज के वो रोल मॉडल बन सकते हैं। बस आज ऐसा ही दिन आया है, रोल मॉडल बनने के लिए वर्क करना है, देश के लिए, समाज के लिए ऐसी बातें करना है जो समाज को चेंज कर दे है। और उसके लिए चाहिए प्लानिंग, अलाइनिंग करना पड़ता है हमारे रिसोर्सेस को, हमें एंटिसिपेट करना पड़ता है, वी हैव टू बी डिसीजिव, हमारे में कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और करेज चाहिए, हम एडेप्टेबल होना चाहिए और हमारी कॉन्फिडेंस को हमें ही रिजॉल्व करना पड़ता है। दुनिया के बहुत देशों में बहुत कुछ चल रहा है और हर लोग अपनी तरह से जो हो सकता है वो कर रहे हैं। इसमें ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा एसोसिएशन है, वो बड़ा रिसर्च कर रहा है। देखो पूरी अमेरिका की काफी इंस्टीट्यूटों में, यूरोप के काफी देशों में और एशिया के देश में भी काम कर रहा है उनका काम है। और एक इसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स के काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी अहम ये रिसर्च हो सकती है। और इसमें है बेसिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को उपयोग करके क्लिनिकल कोर्स प्रोफाइल नक्की करना। क्लिनिकल कोर्स प्रोफाइल नक्की करने से आगे क्या होगा, आगे कैसे करना, वो नक्की होता है। और इतने सारे एक्सपर्ट्स, देखो कितना लंबा लिस्ट है, एक काम के अंदर जुड़े हुए कितने कंट्री के लोग हैं, कितना कॉम्प्लेक्स काम है, कितना टेक्निकली चैलेंजिंग काम है, क्योंकि हर एक लोग का रिकॉर्ड की अलग अलग पद्धति होती है, हर एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इसके अंदर से जो डेटा है उसको कंपेरेबल बनना एक बड़ी चैलेंज है। आज तक डेटा को डॉक्टर की मदद से एनालिसिस किया सकता है, अब डॉक्टरों के साथ के अंदर मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स और एंटरप्राइज एनालिटिक्स पर आ गए हैं, उसकी मदद से एक काम और भी सुविधाजनक और जड़प हो रहा है। इसके अंदर हमारे ही एक लव पटेल भी जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए गौरव की बात है। उसका रियल यश तो रूस को जाता है जो उनके बॉस है, वो एसोसिएटेड वाइस चांसलर है और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स है। एक ऐसे जवान आदमी है, ऐसे लाजवाब आदमी है जो अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर उनको पुश करते हैं, उनकी बाउंड्री को ब्रॉड करते हैं और अपने ही बच्चों को आगे से लीड करके उनकी कैपेसिटी को बाहर लाने का काम करते हैं। बस ऐसा ही कुछ जादू उन्होंने लव के ऊपर किया और लव को सिलेक्ट करके इतने बड़े काम के अंदर इतने छोटे बच्चे को जोड़ दिया। और उसने उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उनकी जो चॉइस थी, वो सही निकली और उन्होंने बहुत कुछ काम समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कर रहे हैं।
आज की हमारी सिचुएशन रियली बहुत गंभीर है। आप सोच नहीं से इतनी गंभीर है। आप देखो कि अमेरिका और ब्राजील के साथ इंडिया का रेट भी डेली न्यू कंफर्म केस रेट बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन हम क्रॉस कर जाए। ऐसा ही नहीं, दूसरी चीज देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया पहले से डाउन हो जा रहा था और सब उनके लिए गौरव कर रहे थे, और आज ऑस्ट्रेलिया में रेट बढ़ रहे हैं। मतलब कि एक बार डाउन होने के बाद भी ये रेट बच सकते हैं। दूसरी बड़ी बात देखो कि क्यूम्युलेटिव केस के अंदर भी हमारे केस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि हम वर्ल्ड में हाईएस्ट हो जाए। पर एक और तरीका भी देखने का है। इंडिया बहुत बड़ा देश है और कंट्री छोटे हैं, तो अगर आप पर मिलियन पीपल देखेंगे तो हमारा स्कोर सब कंट्री में बहुत अच्छा है। आज तक लोग सोचते के हैं कि इंडिया में बहुत पब्लिक है, अनपढ़ है, साथ साथ में रहते हैं, गिच आबादी है, रहने की जगह छोटी और पब्लिक ज्यादा है, एक रूम के अंदर 10-10 लोग ज्यादा रहते हैं, और फिर भी हमने जो कर दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब है, और इसके लिए हम हमारे देश के लीडर्स की, वो नेशनल लीडर हो, वो स्टेट लीडर हो, वो सिटी के लीडर हो, वो गांव के लीडर हो या घर के लीडर हो, वो शायद पढ़े हैं, वो शायद अनपढ़ है, जो भी है, पर उन्होंने बताया कि उसमें विजडम है, उनमें दापण है, वो कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे देख बड़ी बड़ी कंट्रियां नहीं कर सकी वो काम वो कर सकते हैं, और इसी वजह से आज वर्ल्ड के मैप के अंदर देखो, अमेरिका है, कनाडा है, रूसिया है, जापान है, यूरोप के देशों हैं, जो बहुत कैपेबल है, शक्तिशाली है, आर्थिक से समृद्ध है, उनकी मेडिकल सिस्टम बहुत ही लाजवाब है, रादर वही सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कम चीजें हैं, फिर भी हमें कर सके, ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। आज देश को, आज दुनिया को कोरोना वॉरियर की जरूरत है, जरूरत नहीं है, अर्जेंट जरूरत है। एक क्राइसिस के अंदर किसी की जिंदगी बताने के लिए, वो हमारा अपना भी हो सकता है, वो कोई नहीं होता, वो हमारा अपना ही होता है, किसी की जिंदगी बताने के लिए हमें आगे आना है, हमें लोगों को गाइड करना है, इंस्पायर करना है, ट्रेन करना है, हमसे जो भी हो सके, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, वो हमें करना है, और इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, और हमें नक्की करना है कि हम कोरोना वॉरियर है, हम लास्ट मिनट तक, जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे, और एक क्राइसिस के अंदर कैसी तरह हम जीत सके उसकी व्यूहरचना दिखाने के लिए मैं आपके बीच में आ जाए हूं, मैं आपका ही आदमी हूं, हम साथ साथ है और हम साथ मिलके वो व्यूहरचना बना रहे हैं। हम जानते हैं कि डिजीज बैट्स में से आया था, फिर जानवरों में गया, अब इंसानों में आया है। आप सोचेंगे कि वायरस कितना बड़ा होगा, तो देखो आप राइट हैंड साइड में बड़ा है वायलेट रंग का ये चीज, ये पानी का एक बूंद है और उसका एक छोटा सा भाग है, इसके बाद ये स्पोर है, ये फंगस है, ये बैक्टीरिया है, इसके पास में ये टोबेको स्मोक का एक कण है, और इससे छोटे बहुत छोटा लाल दिखता है, देखो कितना लाल, कितना छोटा है, शायद आप देख भी नहीं सको, ये वायरस है, मतलब कि बहुत छोटा है। ये वायरस के पास अपनी जबान नहीं है, मतलब वो बोल नहीं सकता, उसको अपनी आंख नहीं है, वो कहां जाना वो चूज नहीं कर सकता, उसके अपने कान नहीं है, मतलब कि वो कोई स्विच सुन नहीं सकता, उसके अपने हाथ भी नहीं है, तो किसी को पकड़ कैसे सकेगा,
उसके पास अपने पांव भी नहीं है तो वो कैसे चल के आपके यहां आ सकता है? उसके पास अपना बॉडी ही नहीं है, हर एक कोष के पास अपनी कोष वॉल होता है, अपना शरीर होता है, कोरोना को अपना शरीर भी नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, वो हल्का फुल्का है, हवा का एक थोड़ा सा झोंका उसको दूर तक फेंक सकता है। हाँ आप देख नहीं सकते, वो बात सही है, पर साबुन उसको धो डालता है और कहाँ पड़ा रहता है तो वो खत्म हो जाता है। हम जानते हैं कि शुद्ध हवा ये हमारा जीवन है, पर आज यही हवा हमारे लिए जहर बन के आई है। हवा के अंदर संक्रमित एक कोरोना वायरस हमारे लिए जानलेवाओं के आया है। एक इंसान की तरह हम जीते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, तो ये रोग बढ़ने का चांस और बढ़ जाता है। एक कोरोना वायरस तीन ही रास्तों से हमारे शरीर में आ सकता है, चौथा रास्ता नहीं लगा तो। वो अपनी आंख से, हमारे नाक से या हमारे मुंह से आ सकता है, तब तक उसकी कोई ताकत नहीं, पर एक बार वो हमारे शरीर में ये तीन में से कोई भी एक रास्ते में एंटर हो गया, फिर श्वसन कोश के ऊपर आएगा तो अपना जादू दिखाएगा, वो सीधा कोश के अंदर चला जाएगा और फिर कोश को खत्म कर देगा। एक कोरोना का जो संकट है वो हमारे कर्मों का फल है। व्हाट एवर वी डन, आज तक हम जो कर रहे हैं उसी ही वजह से आ रहे हैं। कोरोना की ताकत नहीं है वो हमारे पास आ सके, ये हमारी सोच है, हमारी गलत सोच है, हमारी समझ नहीं है, हम समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इसी वजह से हम ही अपने दुश्मन हो रहे हैं। जब भी कोई थ्रेट्स हमारे ऊपर आता है तो हमें चिंता होती, स्वाभाविक है, और जब हम एंटिसिपेट करते हैं, हम सोचते हैं यार ये आएगा आएगा, क्या होगा क्या होगा, तो वो मैग्निफाई हो जाता है, हमारा डर बढ़ जाता है, और जब डर बढ़ जाता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है। इसको हम फॉल्स अलार्म बोलते हैं, टाइप वन अलार्म, जो सही नहीं है उसको हम सही मान रहे हैं, ये फॉल्स अलार्म से भय और भी बढ़ता जाता है। दूसरे भी लोग दुनिया में ऐसे हैं, वो उससे बिल्कुल विभिन्न तरीके हैं, वो बोलते हैं कि वो ये सच ही नहीं है, तो वो सत्य को सत्य मानने के लिए ही तैयार नहीं है। उन लोगों को कोरोना का रिस्क सबसे ज्यादा है। और तीसरे ऐसे भी लोग हैं जो रियलिटी को समझते हैं और समझ के राइट डिसीजन लेते हैं, और राइट डिसीजन जब सच्चा पड़ता है तो उसमें आत्मविश्वास सलोसल हो जाता है। तो ये तीनों तरीके के लोगों को अंदर हमें करेक्ट डिसीजन वाले लोग धीरे धीरे बैठाना, जो कुछ भी प्रकार की भूल कर रहे हैं, जो उसकी समझ में गलतियां हैं वो दूर करेंगे तो समाज के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और समाज में से कोरोना कायम के लिए खत्म हो जाएगा। मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो मेरे 40 साल के अनुभव की तो है ही, इससे ज्यादा सदियों से हमारे पुरखों ने जो अनुभव किया है, उन्होंने से जो एक्सपीरियंस मिला है, उन्होंने से जो विजडम मिला है, उसकी भी मैं बातें करने जा रहा हूं। जब भी कोई निर्णय लेना है तो हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। आज इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो का जमाना है, आप देखो कितनी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे तरीकों से आ सकती है, और वो सभी इंफॉर्मेशन राइट नहीं होती, सभी गलत भी नहीं होती,
इसमें से हमें डेटा को अलग निचारना है जिससे हम एनालिसिस कर सकें। हमारे पास ऐसे टूल्स है जिससे हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, पर इसमें भी ध्यान रखना है, कुछ डिसेप्टिव डेटा हो सकते हैं और कुछ वैल्यूएबल डेटा हो सकते हैं। जो वैल्यूएबल और यूजफुल डेटा है वो भी देखना है कि वो डिपेंडेबल है कि नहीं और वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर वो वैल्यूएबल है, डिपेंडेबल है, इंपॉर्टेंट है, तो उस डेटा को हम इंडिपेंडेंटली समझना है, स्वतंत्र रीत से हमें समझना है, उसको क्रिटिकली हमें इवेल्यूएट करना है और हमें रीजनिंग देना है, कि सोचना है, हमें तर्क करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कन्विंसिंग एविडेंस हमको मिले और वजनदार एविडेंस मिले तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इससे हमारा डिसीजननेस बढ़ता है, हमारी निर्णायकता, हमारा आत्मविश्वास, हमारी हिम्मत बढ़ती है। और जब निर्णायकता, आत्मविश्वास और करेज होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक्सपीरियंस और विजडम, हमारा अनुभव और ढापन का यूज करना है, और ये सब करने के लिए हमारे पास आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो फैक्ट, तथ्यों की बात करना वाला हूं, और ऐसे तथ्य जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। हम दंत कथाओं की या पूर्व धारणाओं की बातें नहीं करते। आज की पूर्व धारणा कल का तथ्य हो सकता है, पर हमारा लिमिट ओनली फैक्ट्स है। हम तथ्यों पे बात करेंगे और उसके ऊपर ही हमारी एक्शन नक्की करेंगे। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको समझने के लिए बहुत तरीके हैं, पर हम आपके साथ वो बात करने नहीं आए। हम आपको एक्शनेबल इंफॉर्मेशन बताने के लिए आए हैं। आप ये सब चिन्ह तो आप जानते हैं, बुखार आना, गले में दुखना, सर दर्द होना, टेस्ट बदल जाना, थक जाना, खांसी होना, ऐसा हो तो हमें नोटिस करके उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। सबसे बुरी बात फेफड़े का न्यूमोनिया है और वो जानलेवा होता है। ये एक प्रकार का युद्ध है, आप में से हर लोग लड़ रहे हैं, डेली हर रोज बढ़ रहे हैं, पर प्रश्न ये है कब तक हम लड़ेंगे और कौन जीतेगा। सर्वाइवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी बात एक है कि पहले हम सोचा था कि ये युद्ध छोटा है, पर अब हम नहीं जानते कितना लंबा चलेगा। ऐसे समय में हमारा जीवन सबसे जरूरी है, हमारा आयुष रहना चाहिए, हम जिंदा रहने चाहिए, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स सब जिंदा रहना चाहिए। दूसरी जरूरी बात है कि जीवन जीने के लिए हमें पैसे चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो वो भी हमें मिलना चाहिए। ये दोनों तो जरूरी है ही, पर मैं दोस्तों जो बात आपको करने जा रहा हूं वो प्रोग्रेस की, विकास की बातें कर रहा हूं, और आपको मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि कोरोना के बीच में भी हमारा प्रोग्रेस पॉसिबल है और वो ही सबसे जरूरी चीज है। हमारा दुश्मन को हम देख नहीं सकते और इसके साथ हमें फाइट करना है। हम क्वारंटाइन को जानते हैं, हम लॉकडाउन को जानते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को जानते हैं, हम पीपीई को जानते हैं, तो ये सब का कितना वैल्यू है आप समझ सकते हो। सबसे ज्यादा क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट है और सबसे कम पीपीई है, ये सब हम जानते हैं। अब बात ये है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव या विकल्प क्या है। सबसे सिंपल है, घर में लॉकडाउन हो जाओ। अब प्रश्न ये आएगा कि मिल्क दूध तो बाहर से आएगा,
फिर दूध बाहर से आएगा इतना नहीं, फ्रूट्स भी बाहर से आएंगे, सब्जी भी बाहर से आएंगी, और काफी चीजें बाहर से आती हैं, उसका क्या करोगे? फिर आप घर में बैठे रहेंगे तो आपका बॉडी चला जाएगा, अनयूज एट्रोफी मसल्स की हो जाएगी, हृदय वीक हो जाएगा, आपका मस्तिष्क काम करने का कम हो जाएगा, सोशल लाइफ चला जाएगा, और फाइनेंस का इश्यू तो नेचुरली आएगा ही। दूसरा रास्ता है एमपीपी का यूज करके काम करें। यस, पीपी कॉस्टली है, पर हम बात कॉस्ट की नहीं कर रहे हैं, उसकी फैसिबिलिटी, वो किस तरह हम यूज करें। हमने यूज किया है, इतनी गर्मी होती है, पानी पी नहीं सकते, और खाना नहीं खा सकते, और काफी चीजें, हमारा लाइफ के ऊपर बहुत कंट्रोल आ जाता है, तो उसका उपयोग सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें इससे भी अच्छा विकल्प को ढूंढना है। कुछ भी विकल्प ढूंढने के लिए हमें दुश्मन की वीकनेस और हमारी ताकत को समझना चाहिए। दुश्मन की ताकत और हमारी वीकनेस नहीं चल सकती। हमारी स्ट्रेंथ को हम पहचानेंगे तो हम दुश्मन के साथ फाइट कर सकेंगे। इसके बाद हमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हालांकि साहिबा क्लब के पास नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, स्किलफुल लीडरशिप है, वहां संजय भाई है, वहां अजय भाई है, और कुछ लोग हैं, और पुराने लीडर्स भी है, बहुत मानी हुई क्लब है, और वो जरूर एग्जीक्यूशन करेंगे। हम उनको ऐसी स्ट्रेटेजी दे देंगे, हम उनके साथ है, हम साथ मिलके करेंगे, एक ऐसा काम करेंगे कि हमारे देश के अंदर से, हमारी दुनिया के अंदर से कोरोना का खत्मा हो जाए, कोई भी इंफेक्शन का कोई सोर्स होता है, कोई उसको ट्रांसमिट करता है, फिर ये होस्ट के ऊपर आता है, और होस्ट और ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। तो ये सोर्स हम जानते हैं, ट्रांसमिशन फक्त तीन ही चीजों से हो सकता है, आंख में आ सकता है, नाक से, या मुंह द्वारा, और फिर वो श्वसन कोश के अंदर जाता है। आज तक हमने स्मॉल पॉक्स को मात किया है, ओरी को मात किया है, मिजल्स को, पोलियो को भी किया है, और भी कितने वायरस हमारे यहाँ आए, और ये सभी वायरस एक कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये कोरोना है, ये स्मॉल पॉक्स है, ये मिजल्स है, ये पोलियो है, एक कोविड से काफी खतरनाक थे, तो भी हमने उनको सक्सेसफुली मात दिया है, तो समझ लो कि हम उसको भी, कोविड को भी दे सकते हैं। 1978 में फ्लू आया और 33 मिलियन लोगों के उससे डेथ हो गया था, और हमारा सालों का एक्सपीरियंस, ये सब अलग अलग तरह की महामारियां है, पांडेमिक है, ये देश के, दुनिया के अंदर आई थी, और कितने लोगों को जानलेवा हो गई थी इसके अंदर। तो ये हमारा कोविड बहुत छोटा लगेगा आपको, मतलब कि इससे बहुत खतरनाक पांडेमिक का सामना हम कर सके हैं, तो कोरोना का हम क्यों नहीं कर सकेंगे? ये देखो कि प्लेग के अंदर 200 मिलियन पीपल का डेथ हो गया था, ये स्मॉल पॉक्स के अंदर 56 मिलियन का, स्पेनिश फ्लू के अंदर 40-50 मिलियन लोगों का डेथ हो गया था। इसका मतलब है कि सालों से हम लड़ रहे हैं, और हम हर साल बहुत ही स्ट्रांग पहले थे, उससे और स्ट्रांग, उससे और स्ट्रांग, और अभी हमें इससे भी स्ट्रांग होना है, और हमारा अनुभव का हम पूरा पूरा उपयोग करेंगे। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले हमारे पास नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज है, पहले से हम ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा हिम्मतवार है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा अनुभवी है, और ज्यादा विजडम भी है हमारे पास। ये वायरस
कि हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, हम शरीर की ताकत जरूर बढ़ा सकते हैं, हम न्यूट्रिशन अच्छा कर सकते हैं, हम डिजीज को कंट्रोल करने के ट्राई कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। पर प्रश्न ये है कि क्या ये करने से हमें कोरोना नहीं होगा? तो उसका जवाब है कि ना, हो सकता है। हमारे इस काम के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हमें वैक्सीनेशन का 300 साल का अनुभव है और नई वैक्सीन बनाने का प्रोग्राम पूरी दुनिया में अनेक साइंटिस्ट कर रहे हैं। हम कायदा के उपयोग से, गवर्नमेंट से लॉकडाउन, क्वारंटाइन जैसी चीज हम कर चुके हैं। WHO बहुत कुछ कर रहा है, मीडिया में बहुत माहिती है, सोशल मीडिया तो पूरा भरा हुआ है, और एक्सपर्ट को आप देखो कहाँ कहाँ, ऑडियो पे, वीडियो पे, टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे, चारों और सब इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है। आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत रिलेशनशिप है, मेरा स्टेटस बहुत ऊंचा है, मुझे बहुत डॉक्टर पहचानते हैं। ये सब चीजों की बहुत मूल्यवान है और ऐसे भी नहीं मिलती, इसके लिए बहुत परिश्रम करना है। पर कोरोना वायरस ये नहीं समझता, आपके पैसे को वो नहीं समझेगा, आपके पावर को भी नहीं समझेगा, आपके स्टेटस को भी नहीं समझेगा, इवन डॉक्टर होंगे तो भी वो नहीं समझेगा। उसके अपने रसूल है, उसके अपने रूल है, हमें उसके रूल को समझाए, हमारे हमारे रूल वो नहीं समझने वाला। हम उनके रूल समझेंगे, उसकी वीकनेस समझेंगे और उसके ऊपर फाइट करेगा, तो उसकी ताकत नहीं है वो हमको कुछ कर सके। हम शरणागति नहीं स्वीकारना चाहते, वी वॉन्ट टू फाइट, फुल्ली फाइट और विथ अवर फुल स्ट्रेंथ। दूसरी बात है, हमारे पास उसकी कोई दवा नहीं है। ये रोग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरी बात के अंदर, ये इंफेक्शन की सभी चीजों के अंदर एक ही सबसे महत्व की चीज है कि रोग को हम रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इतना भी बहुत बड़ा चीज है। जब हमने जान लिया कि रोग को हम मिटा नहीं सकते पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमारी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी समझ, पूरी सोच, हमारा पूरा विजडम कैसी तरह उसको प्रिवेंट किया जाए, उसके ऊपर हमें डालना है। प्रिवेंशन के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सोर्स को बंद करना और दूसरा रास्ता है एंट्री पॉइंट को रोकना। श्वसन तंत्र से जिसको रोग है वो मरीज के श्वसन तंत्र से ये सब चीजें ड्रॉपलेट्स के स्वरूप में आती है, और एक कांटेक्ट थ्रू दूसरे मरीज, दूसरे तंदुरुस्त आदमी की आंख, मुंह या नाक द्वारा एंटर होते हैं। मतलब जो मरीज है वो जब सांस लेता है तब भी वो जंतु बाहर आ रहे हैं, वायरस बाहर आ रहे हैं, वो बोल रहा है तो और ज्यादा आता है, खांसी में इससे भी ज्यादा आता है, और जब सींक आती है तो उससे भी ज्यादा आता है, और बहुत दूर तक वो जाता है। ये सब चीजें छोटी नहीं है, यही बड़ी चीज है, यही चीज हमें समझना है। जब हमें बात बराबर समझ जाएंगे तो हम कोरोना को मात कर सकेंगे। मतलब कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से जो जिसको चेप है उससे तंदुरुस्त आदमी के लिए जाने के लिए तीन ही रास्ते हैं, दो एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न, ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब मरीज के हाथ से हाथ लगाया और अपनी आंख या मुंह में लगा दिया,
कान में लगा दी, अरे नाक में लगा दिया। ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वैल्यू बहुत कम है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पेपर जो हमारे आता है, जो मिल्क हमारे जो आता है, जो सब्जी आता है, इसमें से वायरस फैलने का जोखिम बहुत कम है। हम ऐसा नहीं कहते कि वो कार्जी मत रखो, हम ऐसा कहते हैं कि ऊपर वाली तीनों चीजों पे बहुत ध्यान दो, उसके अंदर हमारी एनर्जी को ज्यादा यूज करो। मतलब कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है, हमें भेद करना है, बहुत सही है क्या गलत है। हमें विवेक रखना है, विवेक ही सब कुछ है। अगर हम विवेक रखने लगे तो ये रोग हमारे पास आ ही नहीं सकेगा। क्या हम ज्यादा कर रहे हैं? हमें अपनी जात को पूछना है, हम ज्यादा कर रहे हैं? रुक जाओ, हम कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाओ, कि हम बिन जरूरी तो नहीं करें। ये तीन ही चीज है, हमें बार बार सोचना है, बार बार प्रश्न पूछना है। पर आप प्रश्न किसको पूछेंगे? तो एक्सपर्ट को पूछो, और वो ही बात सही होती है जो एक्सपर्ट बताता है। तो ये विवेक, ये अविरत भेदभाव हमें जिंदगी देगा। तो दो रास्ते से रोग बाहर निकलता है, श्वसन तंत्र और हाथ से, और तीन रास्ते से एंटर होता है, आंख, नाक और मुंह। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड को आप अपने दरवाजे पे चिपका दो, घर के अंदर चिपकाओ, ऑफिस के अंदर चिपकाओ, फैक्ट्री के अंदर चिपकाओ, जो भी पब्लिक प्लेस है। आप बोलेंगे तो हमें तो ये आता है, अच्छी बात है आता है, पर रिवीजन उससे भी बड़ी चीज होती है। जितनी बार हम देखते हैं, जितनी बार वो चीज हम फिर से देखते हैं, हमारा रिजोल्यूशन, हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर होता है। जब किसी को चेप होता है तो हम री अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ हमारे से गलती हुई, तो हम और पावरफुल होते जाएंगे। हमारी अपनी प्रैक्टिकल सोच बनेगी, हम अपने आप को एक्सपर्ट बना सकेंगे, तो हम और स्ट्रॉन्गली हमारी बात रिकमांड कर सकेंगे, और दुनिया जब देखेगी, जब समझेगी, तो वो भी आपको फॉलो करेगी। तो ये विवेक क्या है, बहुत ज्यादा क्या चीज है? आप अपने घर के अंदर मास्क पहन के बैठे हैं, जहां कोई नहीं है, ऐसी जगह पे बैठे हैं और मास्क पहन रहे हैं, तो ये बिन जरूरी है, बहुत ज्यादा है। आप एंटीसेप्टिक का घर के अंदर यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है। एंटीसेप्टिक यूजफुल है, पर घर के लिए उसकी जरूरत नहीं। पानी और साबुन तो बहुत कुछ है, राजद पानी और साबुन की ताकत एंटीसेप्टिक की ताकत से बहुत ज्यादा है। आप पानी और साबुन का जितना उपयोग करेंगे, जितनी बार उपयोग करेंगे, आप कोरोना को इतनी बार हरा सकेंगे। आपके पास पैसे है और N95 जैसा महंगा मास्क ला सकते हो, अच्छी बात है, आपका पैसा है, आपको लाना चाहिए। पर आपको ये भी समझना चाहिए कि इसका कहाँ सही यूज क्रोज है। अगर आप सोचते हैं कि मुझको कुछ भी नहीं होगा तो एक गलत है। अगर अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत कैपेबल हूं, मैं बहुत ताकतवान हूं, मुझे कोरोना छू भी नहीं सकता, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और आप मास्क नहीं यूज करते तो उससे भी बड़ी मिस्टेक है। पब्लिक लाइफ में मास्क यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसी दूसरी एक चीज है कि किसी से भी 6 फुट का अंतर बनाए रखो। अपना क्लोज फ्रेंड हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, ये 6 फुट की दूरी उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए सेफ्टी है। आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन केस बढ़ते ही जाते हैं, वो हमारे मन में दहशत फैलाता है, सही बात है। पर ये दुनिया का नक्शा देखो, आज तक जितने एपिडेमिक्स आए सब में ऐसा हुआ, तो इसमें भी होगा, ये क्या बड़ी बात है? पर एक दिन सभी एपिडेमिक्स का रेट
धीरे 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 कम होता गया और वो एपिडेमिक्स चले गए। हम जिंदा है, हम विकास कर रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस चालू ही है। कोरोना वायरस हमारा विकास रोक नहीं सकता है। ऐसे समय में मानव का वर्तन बदल जाता है। सभी जो पहले थे उससे अलग हो जाते हैं, वही इंसान होते हैं, पर ये नई परिस्थिति के अंदर उनका वर्तन बदल जाता है। तो ये लीडरशिप हमारा नेता है, उसका ये रोल है कि वो बात को समझे, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करे, उनके अंदर नया जोम डाले, नई शक्ति डाले, नई समझ डाले, उनको हिम्मतवान बनाए, उनको कोरोना वॉरियर्स बनाए, जिसकी वजह से हम ये रोग को जल्दी से जल्दी खत्म कर ले। बहुत ही गाइडलाइंस है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। ये सभी गाइडलाइंस को एक सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना है, किसी को समझाना तो पीछे की बात है। आप अपने ये रिस्क को समझो। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपके कर्मचारी को शिक्षित करो, आपकी ऑफिस का है तो उसके भी कर्मचारी को शिक्षित करो, आपके स्कूल है तो आपको टीचर्स को शिक्षित करो। क्या शिक्षित करना है? उनको बार बार हाथ धोलाने के लिए ट्रेन करो। मैं ट्रेन करने को बोल रहा हूं, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आपको ऐसी सिस्टम बनानी होगी कि उनको हाथ धोने की हैबिट हो जाए। हर एक इंसान एक दूसरे से 6 फीट से ज्यादा दूरी अंतर रखे, वो खास ध्यान रखो, उसकी ट्रेनिंग दो। आप मास्क पहने रखो, पब्लिक लाइफ में मास्क पहने रखो, और जो चीजें बार बार यूज होती है, वॉश बेसिन है, वो सब चीजों को, उसके बराबर रिपीटेडली सफाई हो, उसका ध्यान रखो। और किसी को भी बुखार हो, खांसी हो, तो उसको अलग कर दो। एक और ये चीज है, तो दूसरी है कि ऑटोमेशन लाओ, जिससे ह्यूमन टच की जरूरत कम पड़े। कोई चीज ऐसी है तो उसको डेलीगेट कर दो, आपसे कोई अच्छा करता है तो वो उसको दे दो, तो उसका जोखिम कम हो जाए। आपको ऐसी मेथड सोचने हैं जिसमें टच की कम से कम जरूरत पड़े, और सबसे अच्छा तो टच की जरूरत ही नहीं पड़े। हम कैसी तरह करेंगे उसकी बातें कर रहे हैं। उसके पहले आप एक बात समझ लो कि आप सांस लेते हैं और कोरोना वायरस आते हैं तो कम दूर तक जाते हैं, आप खांसी खाते हैं तो उससे भी ज्यादा दूर तक जाते हैं, अगर आप सींक करते हैं तो वो 6 मीटर तक दूरी तक जा सकते हैं, और अगर पवन की दिशा वो धरती से आपकी ओर है तो ये 6 मीटर से भी और ज्यादा हो सकती है। मैं 6 फुट की बात नहीं कर रहा, एक बात समझो, मतलब 6 फुट का अंतर सही है पर बिल्कुल सही नहीं है, इससे ज्यादा ज्यादा और ज्यादा ही चाहिए। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि वायरस का वेट नहीं है, वो बहुत हल्का फुल्का है। अगर आप अपने घर के बारी बारने खुले रखेंगे, वेंटिलेशन को महत्व देंगे या फैन चालू करेंगे, तो ये वायरस कहाँ चला जाएगा आपको मालूम ही नहीं रहेगा। मास्क पहनना चाहिए, अगर मास्क नहीं भी पहना है और वेल वेंटिलेटेड है आप, तो आपको कोरोना के होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। आपको एसी की जरूरत है, एसी यूज करो, पर वेंटिलेशन तो खुला ही रखो, भले एसी थोड़ा कम लगे, एसी का बिल थोड़ा ज्यादा है, वो अपनी जिंदगी से महंगी नहीं है, हमारी जिंदगी कीमती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हवा का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा तक जाना चाहिए। जो ऐसी तरह हम यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो करेंगे तो ये सबसे सादा और सबसे इफेक्टिव है। मास्क की जरूरत बाद में पड़ेगी, वो आपके पास आएंगे तब, पर जैसा एक हवा का झोंका आया वो और चला गया, तो
तो मास्क की जरूरत कम हो जाएगी। मतलब कि इतनी पावरफुल है कि उसका जितना भी उपयोग किया जाए, जितना भी उपयोग किया जाए, एक काम है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति को, ये यूनिडायरेक्शनल हवा का प्रवाह, एक ही दिशा में हवा जाए, ऐसा रास्ता ढूंढे में निकालो और सबको दिखाओ कि हमने ऐसी तरह किया है। ऐसा माना जाता है और ये साइंटिफिक भी है कि सभी आदमी अगर मास्क पहनेंगे तो जिसको रोग है वो बाहर नहीं जाएगा और जिसमें रोग नहीं है उसमें रोग नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम मास्क पहने। पर मास्क के अंदर तीन जगह पे गैप रह जाती है, ये ऊपर वाला ब्लैक, ये बच्चे वाला ब्लैक और नीचे वाला। अगर ये जगह है तो भी मास्क उपयोगी तो है ही, पर इतना नहीं जो रियल उसकी कैपेसिटी है। आप देखो इंसान को, ये किसी का अभ्यास कर रहा है कोरोना के लिए, पर ये कितना नजदीक है। देखो उसके नाक के ऊपर से मास्क, एक बहुत अच्छा है मास्क, N95 लगता है शायद, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू ऐसा शब्द है, कम, इसकी वैल्यू कम हो जाती। आप किसी से दूर रहो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, और मास्क सही ढंग से पहनो उसकी भी बहुत वैल्यू है। अगर आपको जरूरत हो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम तो उसका हम अलग तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके के मास्क भी क्या है वो भी समझना चाहिए, और आपके लिए एक मास्क क्या कर सकता है वो भी समझना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को कंफर्ट मास्क और सिंपल मास्क की जरूरत होती है। तो और महंगे मास्क आपकी आपको डर लगता है जरूर पहनो, पर समझो कि आप ये कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ये वायरस सब में सबसे छोटा है, ये हमारे सब दुश्मन है जिसके लिए हम मास्क पहनते हैं, पर इसमें सबसे छोटा ये वायरस है, ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब मास्क पहनते हैं तो ये मास्क भी अच्छी बात है, इससे इससे ज्यादा अच्छा ये है, इसके अंदर एक नोज पिन है, नाक के ऊपर लगाने की पिन है जो नाक और फेस के बीचे की जगह को बंद कर देता है। तो ऐसे मास्क पसंद करने, सिंपल हो गए तो चलेंगे, पर नोज पिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसी तरह बहुत फिक्स करना वो भी इंपॉर्टेंट। देखो ये डोरी कहाँ जाती है, ऊपर, ये दूसरी टाई नीचे जाती है, और ये बेंजी ने दोनों टाई साथ में बांधी है, ये सही है और ये गलत है। और अलग गलत करेंगे तो मास्क पहना होगा तो भी हमें सजा मिल सकती है। एक दूसरी बड़ी बात है हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास सॉप एंड वाटर नहीं, साबुन और पानी नहीं है, तो हैंड सैनिटाइजर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उसकी लिमिटेशन भी हमें समझना जरूरी है कि इससे हम सभी वायरस सभी बैक्टीरिया का नाश नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, अगर हमारे हाथ गंदे हैं, इसमें चिकास है, तो वो पूर्ता असरकारक नहीं हो सकता। और सैनिटाइजर्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो हमें नुकसान कर सकते हैं। और सॉप एंड वाटर में तो सब साफ करके धोके चला ही जाता है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये चिकास है, ये गंदगी है, या केमिकल्स हो, जो भी हो चला जाता है। मतलब कि ये महंगी चीज से वो सस्ती चीज बहुत ही अच्छी है, तो दोनों का सही जगह पे सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो बात कर रहा हूं मेरी बात नहीं है, CDC है, बहुत रिलायबल है। उसका कहना है कि जो सपाटी पे जो इन्फेक्शन है, घर की सपाटी हो, किचन की सपाटी हो, या ऑफिस की सपाटी हो, वहां से ये संक्रमण होने का चांस अभी तक
साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। मतलब आपको ये जीवाणु नाशक दवाइयां जो आती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप सॉप एंड वाटर का उपयोग करो, उसका उपयोग वहां ही करो जहां बहुत बड़ी मात्रा में इंफेक्शन है, जैसे कि अस्पताल में जहां कोरोना के मरीज है। ये एंटीसेप्टिक्स बहुत उपयोगी है सही जगह पे, गलत जगह पे उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं आपको बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, आप जो खा पी रहे इसके अंदर जाए तो भी आपको नुकसान होते हैं। तो ये बात को हमें सोचना और समझना चाहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स इट्स ए कॉमन सेंस और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई एक डोर को हाथ से नहीं और किसी और तरीके से खोले, कोई ऊपर से खोले, कोई नीचे से खोले, एक जगह पे एक ही आदमी टच करता है तो उसको दूसरे को कोरोना है तो भी कोई डर नहीं रहता। मतलब ऐसे तो बहुत तरीका है और युक्तियां हैं। आप हमें प्रश्न करेंगे तो हमारे पास क्या विकल्प है? मैं मेरी बुद्धि से सोचूं तो आप आज से ही काम को लग जाओ, कुछ भी करो जो आपसे हो जाओ। अगर आज आप काम को नहीं लगेंगे तो थोड़े हफ्ते के बाद तो आप जाएंगे ही। ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले आपको थोड़े हफ्ते में नहीं भी जाने दें, पर थोड़े महीने के बाद तो आप अवश्य जाएंगे। और अगर आप नहीं जाएंगे तो 1-2 साल के अंदर आप निवृत्त हो जाएंगे। वो सही बात नहीं है। तो मेरे कहने की बात यह है कि आप बाहर आओ। ऐसा नहीं है कि जोखिम लो, मैं नहीं बोलता आप रिस्क लो, पूर्ण सलामती, सलामती में कोई खामी के बिना ही बाहर आओ। अगर आपको रिस्क लगे तो वहां से वापस चले आओ। ये चीज आप बराबर समझ लो। आप किसी और को भी समझाओ, आप किसी और के पास भी समझो, आप डिस्कस करो, ऑनलाइन डिस्कशन करो, दूसरों को देखो लोग क्या कर रहे हैं और फिर अपना लॉजिक लगाओ और जो सही है उसको स्वीकारो। तो आपका ताकत का वर्तुल बड़ा होता जाएगा, जितनी मेहनत करोगे इतना और बड़ा होता जाएगा और इतना ही हमारा दुश्मन वीक हो जाएंगे। आपकी समझ ही आपकी ताकत है और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं, आप बाहर आओ, प्रोडक्टिव बनो, इससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरे लोगों को करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा आप करेंगे तो दूसरे करेंगे, दूसरे करेंगे तो तीसरे करेंगे, चौथा करेंगे, उसकी मैग्नीफाइंग इफेक्ट आएगी। इसी वजह से अनेक छोटे मोटे धंधे शुरू हो जाएंगे। तो अनेक छोटे छोटे मानसों को जीने के लिए कोई खाने पीने का साधन मिल जाएगा, कोई कमाई का साधन मिल जाएगा। और ऐसा और लोग करेंगे तो उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है। आप कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप कुछ मॉडल डेवलप करते हैं तो उसे डेवलपमेंट होता है। ये सब चीजों की कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रही है। और मेरे दोस्तों, मेरे क्लब के मेंबर्स, मित्रों, आज साइबर क्लब लीड करने को जा रही है। हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं कि कभी भी किसी को ऐसा करना हो तो वो आपके यहाँ सोच के लिए, समझ के लिए आए कि आप कैसी तरह करते हैं, हम करना है। हमारी जिम्मेवारी है, हम सोशल जवाबदारी स्वीकारते हैं, सालों से करते आए हैं। हालांकि ये मुश्किल है फिर भी हम करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, सब मिलके करेंगे। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है सेटिस्फाइंग नीड प्रॉफिटेबली, किसी का जरूरत और किसी का प्रॉफिट, ये दोनों को सेटिस्फाई करना, ये बिजनेस का काम है। प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस डाउन हो रहा है।
आप वर्ल्ड ओवर देखो, सब आंकड़े देखो, इतने बुरे हैं। जीडीपी देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो, एक्सपोर्ट देखो, जो भी देखो, आंकड़े डाउन 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 ही जा रहे हैं। मतलब कि बिजनेस कम हो रहा है। तो लोगों की नीड और प्रॉफिट के बीच में आप खड़े हैं, और आपके साथ हम शाहीबाग क्लाइंट्स क्लब के सब लोग खड़े हैं। हम आपको ये रास्ता दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है पॉजिटिव कैश फ्लो। बहुत बड़ा नहीं होगा तो चलेगा, हम खाड़े में नहीं जाने चाहिए। और उसके लिए एक बड़ी चीज है, हमें ऐसी स्किल्स को समझना है, ऐसी स्किल को सीखना है जिसमें हाई इनकम है। तो आप कम काम करेंगे तो भी ज्यादा कमाएंगे। दूसरी चीज है कि हमारा आज तक का जो बिजनेस मॉडल था वो इस स्थिति में गलत हुआ, तो क्या करने का, नया बिजनेस मॉडल डेवलप करो, इससे अच्छा, इससे बढ़िया और स्ट्रॉन्ग। एक बात याद रखो, कुछ भी करो कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि हम नहीं जानते कैसी परिस्थिति है, मनी बैक आएंगे कि नहीं। आपका स्ट्रक्चर को छोटा बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, रिजिलियंट, किसी भी ट्रॉमा को सहन कर सके ऐसा ताकतवर बनाओ। कोई भी स्थिति में वो फिर से खड़ा हो जाए, फिर से लड़ने को तैयार हो जाए, ऐसा ताकतवर बनाओ। दूसरी चीज याद रखो, स्टेप बाय स्टेप, आप बड़ा कदम मत लो, एक छोटा कदम, सक्सेसफुल हो जाए दूसरा छोटा कदम, ये सक्सेसफुल हो जाए तीसरा छोटा कदम। आप कंट्रोल में है, कोरोना आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। जो भी करना है, जितना भी करना है, आप कंट्रोल में है, इतना ही करना है। ये बात कभी मत करना, हर बार हम चुनौती को समझना है, ये इसको टेस्ट करना है। चुनौती लगे कि हमारी कैपेसिटी की अंदर है तो हमें फाइट करना ही करना है, पर अगर चुनौती बहुत ज्यादा लगता है तो वेट कर लो, उसको समझो, उसको फाइट करके हमें खत्म नहीं होना है, हमें डेवलप करना है, हमें विकास करना है। आपको इस सप्लाई चेन को समझना चाहिए। दुनिया में देखो, हमारा देश बहुत छोटा है, सप्लाई चेन में उसका रोल बहुत छोटा है। हमें समझना है कि ऐसा क्यों है। आप बोलेंगे कि हमारी ताकत ही नहीं है, मैं आपको आपकी ताकत बताने जा रहा हूं। ये भी देखो कि दुनिया के लोगों, अमेरिका वैल्यू एडिशन में 39%, 24% कितना ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रही है। ये जर्मनी देखो 25%, 20%, और ये इंडिया देखो, उसका वैल्यू एडिशन 1%, 1%। तो अगर हम वैल्यू की एडिशन नहीं कर सकते तो हम आगे कैसे आएंगे? तो आप बोलेंगे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के पास क्या नहीं है, कनाडा के पास क्या नहीं है, जापान के पास क्या नहीं है, रशिया के पास क्या नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े, यूरोप के देशों के पास क्या नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े देश है, अत्यंत शक्तिशाली देश है। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो टेक्नोलॉजी उनकी है, हमारे आसपास जो भी है इसमें से एक भी टेक्नोलॉजी इंडिया की नहीं, इन लोगों की टेक्नोलॉजी। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत विद्वान, बहुत ताकतवान और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश। हमारे देश में ये सबों की कमी है, हम अनपढ़ है, हमारी संख्या ज्यादा है, हम एक छोटे घर के अंदर 8-10 आदमी रहते हैं, बहुत क्राउडेड है। फिर भी देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपकी ताकत को जो आप नहीं समझते हो, आज बराबर समझ जाओ कि इन देशों के अंदर कोरोना का कितना कहर है। और देखो आपके देश के अंदर, इंडिया के अंदर देखो, आपका कोरोना का रेट बहुत कम है। वो क्यों कम हुआ? मैंने किया? नहीं। अमेरिका वालों ने आके किया? नहीं।
जापान वालों ने आके किया? नहीं। क्या कनाडा वाले आए थे? नो। क्या और देश वाले आके कर गए? नो। ये हमने ही किया है, हमारी लीडरशिप ने किया है, नेशनल लीडरशिप ने किया है, स्टेट लीडरशिप ने किया है, सिटी की लीडरशिप के लिए किया है, गांव की लीडरशिप के लिए किया है, और घर की लीडरशिप ने किया है। सबसे ज्यादा एक घर की लीडरशिप है, वो पढ़े लिखे नहीं है, एग्रीड, उनके पास कम सोच समझ है, पर वो इतना तो जरूर समझते हैं कि ये महामारी में हमें कैसी तरह वर्तना। अगर जो देश के इंसान, इतने छोटे छोटे लोग पूरे देश के अंदर, कोई एक जगह की बात नहीं करता, मैं कन्याकुमारी की बात नहीं करता, मैं कश्मीर की बात नहीं करता, मैं आसाम की बात नहीं करता, मैं गुजरात की बात नहीं करता, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, ये पूरे देश के सब लोग अलग अलग है, उनके पास, सबके पास रिसोर्सेस कम है, जो हम ये कर सके, तो मैं पूछता हूं हम ये क्यों नहीं कर सकता? जो अमेरिका नहीं कर सकता, जो जापान नहीं कर सकता, जो कनाडा नहीं कर सकता, वो इतनी कैपेसिटी के बाद नहीं कर सकता, वो काम हम कर सके, तो भी मैं आपको एक नम्र निवेदन कर रहा हूं, आपकी ये ताकत को समझो, आपकी ये सोच को समझो, आपकी एक शक्ति को समझो, आप बहुत शक्तिवान हो, आपके अंदर बहुत ऊंची सोच है, हम साथ मिलके एक क्राइसिस को हमारी शक्ति समझने का एक साधन समझ लो। इसी वजह से हम समझ गए कि हम ताकतवान हैं। दुनिया का कौन सा देश कितना समझदार है, ये समझने का एक अरिशा है, ये आईना में हमारा प्रतिबिंब वेरी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। तो ये ताकत को समझो, हम वैल्यू एडिशन करें दुनिया के अंदर। एक बार ये भारत देश सोने की चिड़िया थी, ये आपकी ही वजह की थी, आपने अपनी जात को कम किया, आपने वैल्यू एडिशन कम किया, हम चले गए। आज फिर से कोरोना ने हमें बताया है कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम बहुत शक्तिशाली है, हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, भारत को फिर से शक्तिशाली बना सकते हैं, फिर से सोना की चिड़िया बना सकते हैं, और हमारी ताकत दुनिया की ताकत है, हम सब देशों के साथ मिलके मिलजुल के एक शक्तिशाली देश बना सकते हैं, एक शक्तिशाली दुनिया बना सकते हैं। बहुत रास्ते हैं, आप सोचने लगो और रास्ते तो मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास ताकत है, सोच है, संभव है। और सबसे बड़ी बात है, ये भी चला जाएगा, ये जाने वाला ही है, रुकने वाला नहीं है, जस्ट डोंट वरी, स्टार्ट डूइंग। ये तो आपकी ताकत को समझाने के लिए, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने शक्तिशाली, आप क्या सब कर सकते हो, वो दिखाने के लिए आया था, और वो हमने देख लिया है, और जैसे हम बुद्धिशाली हो गए, हम समझ हो गए, तो उसको जाना ही है, और ये चला भी जाएगा। पर आज हमारे देश को, हमारी दुनिया को कोरोना वॉरियर्स की जरूरत है, और जड़ जरूरत है, ऐसे लोग जो दिन रात अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने कुटुंब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए काम करे, जो अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करे, जो गाइड करे, जो इंस्पायर करे, जो ट्रेन करे, पूरी लगन से, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, श्रद्धा से, भक्ति से, जैसे आप कोई देव की भक्ति कर रहे हो, बस ऐसी भक्ति से, ये दुनिया, ये प्रजा, ये हमारे देव है, उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जिंदा रखना, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा निर्णय है, और आप सबका इसमें आह्वान है। हम अच्छे से अच्छा प्लानिंग करेंगे, हमें पर भले कुछ कम है, पर ये पूरे रिसोर्स को हम अलाइन करेंगे, एक साथ जुड़ के यूज करेंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा कॉम्पिटेंस हम बढ़ाएंगे, हमारी करेज बढ़ती ही जाएगी, जैसा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारा कॉम्पिटेंस बढ़ा, हमारी करेज बढ़ेगी,
हमारा मन डिसीजनेस बदलेंगे। और एडेप्टेबल तो हम सालों से हैं, दुनिया के सब लोग के देश में आके बसे हैं, सबके साथ हम साथ मिला के रह रहे हैं, हम एडेप्टेबल हैं, हमें तकलीफ नहीं है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम एडेप्टेबल है तो रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक क्राइसिस लीडरशिप में पूरी दुनिया को हमें अपना रास्ता पकड़ के दिखाना है, हम करके दिखाएंगे, हम दृष्टांत बना के दिखाएंगे, तो लोग भी ये देखने के लिए आपके पास आएंगे। दोस्तों, एक क्राइसिस लीडरशिप खड़ी करना हमारी जिम्मेवारी है। हम सोचते हैं कि हो सकता है, हो सकता है नहीं, आपने करके दिखाया। खाली हमने तो आपको आईना दिखाया है कि आपकी कैपेसिटी है, आप कर ही सकेंगे, और आपको ही करना है। आपको समाज को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है, देश को दिखाना है कि आपकी ताकत क्या है। ये ताकत के साथ आप बाहर आओ, इतनी ताकत से बाहर आओ कि आपको अपना गौरव लगे, आपको ही नहीं, आपके बच्चे आप कर रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो उनका संकल्प बढ़ेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी। और फ्यूचर के अंदर कभी ऐसी कोई दूसरी बीमारी शायद आएगी ही नहीं, और अगर आएगी तो ये आपसे भी ज्यादा वो दू स्ट्रॉन्ग से वो फाइट करेंगे। 40 साल से मैं गुजरात के अंदर कोने कोने में घूम रहा हूं, लोगों को रोग नहीं हो प्रिवेंशन के लिए घूम रहा हूं। आज का दिन मेरे लिए अहम है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का केस है और चारे और लोग मुर्दा हो रहे हैं, और ऐसे चीजें के लिए जो बहुत सरल है, जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और एक काम करने की जिम्मेवारी शाहीबाग लायंस क्लब ने हमें दी, तो उसके लिए मैं शाहीबाग क्लब का ऋणी हूं। मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि चला जाने वाला है, और इस समझदारी के लिए मैंने जो भी कुछ किया है उससे मुझे संतोष है। सालों के बाद आप सुखी हो, आपके घर के अंदर बच्चों के बच्चे हो, आप आनंद से जीते हो, ऐसे दिन का मैं सोच रहा हूं। और ऐसे दिन के अंदर आप सोचो तो कभी एक बार हमें भी सोच लेना कि हमको समझाने के लिए डॉक्टर पीबी पटेल आए थे। एक शाम को हमारे साथ उन्होंने 1-2 घंटे बिताए थे, उन्होंने कुछ बातें की थी, और ये बातें हमारे जीवन को समृद्ध करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। ताकत तो आपकी ही है, मेरी ताकत नहीं है, मैं तो खाली एक उंगली चिंध रहा हूं। उन लोगों को जो चिंगारी है, जो दीवार बन के इस दुनिया को, देश को बदल सकते हैं। और फिर से मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को, आपकी हिम्मत को, आपको फाइट करना ही है, आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हम सब फाइट करेंगे तो हम सब सुखी होंगे, और अगर हमने सही फाइट नहीं की तो कोरोना हमसे भी ताकतवर हो जाएगा, वो जो हम करना ही नहीं चाहिए। आज से इसी कण से हमें फाइट करना है। थैंक यू वेरी मच।